प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोमॉलिक्यूल, उसमें टॉपिक चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ मीन कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें मैंने उस कैटेगरी में तीन स्ट्रक्चर आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। जो तीन स्ट्रक्चर पढ़ाए थे उनमें से एक था सुक्रोज का, एक था माल्टोज का स्ट्रक्चर और एक मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्च का स्ट्रक्चर। आज उसी कैटेगरी में हम दो नए स्ट्रक्चर और पढ़ेंगे। कितने? दो। एक पढ़ेंगे लैक्टोज का, जिसे मिल्क शुगर भी बोलते हैं, और एक पढ़ेंगे सेल्यूलोज का। तो आज के वीडियो में हमें दो स्ट्रक्चर डिस्कस करने हैं, एक लैक्टोज मिल्क शुगर और दूसरा सेल्यूलोज। तो स्टार्ट है लैक्टोज। देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज हेडिंग, इसका दूसरा नाम मिल्क शुगर। आप साफ देख रहे हैं इसमें दो यूनिट हैं, ये तो दो यूनिट हैं। पहली यूनिट का नाम है बीटा डी गैलेक्टोज। क्या नाम है? बीटा डी गैलेक्टोज। और दूसरी का नाम है बीटा डी ग्लूकोज। तो इसमें साफ नजर आ रहा है दो यूनिट हैं, एक का नाम है बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरी का नाम है बीटा डी ग्लूकोज। अब जरा आप देखें, बीटा डी गैलेक्टोज जो है उसका वन नंबर बीटा डी ग्लूकोज के फोर नंबर से अटैच है, यानी कि बीटा डी गैलेक्टोज का वन नंबर और बीटा डी ग्लूकोज का फोर नंबर आपस में अटैच है, इसका वन इसका फोर। इससे लिंकेज बन रही है सी वन सी फोर जीएल, जी ग्लाइकोसाइडिक, एल फॉर लिंकेज। तो सी वन सी फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रही है। तो हमने देखा लैक्टोज दो यूनिट से मिलकर बना हुआ है। कितनी यूनिट से मिलकर बना है? दो। एक यूनिट है गैलेक्टोज की और एक है ग्लूकोज की, और ये सी वन सी फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये बात आपको नजर आ रही है साफ। जो लैक्टोज होती है इसी की वजह से दूध में जो मिठास होती है, आप देखना कभी भी ताजा दूध पीना, ताजे दूध में मिठास होती है, तो जो मिठास है वो लैक्टोज की वजह से होती है, इसलिए इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है अपना सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज है उसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज यूनिट है। कौन सी यूनिट है? बीटा डी ग्लूकोज। एक बात ध्यान देने की है, लैक्टोज डाइसेक्राइड है, यानी दो यूनिट से जुड़कर बना है। डाइसेक्राइड का मतलब दो मोनोसेक्राइड यूनिट से जुड़कर बना है, जबकि सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड है, यानी उसे बनाने के लिए एक दो नहीं बहुत सारी यूनिट चाहिए। वो यूनिट किसकी चाहिए? बीटा डी ग्लूकोज की। तो इसमें बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट चाहिए बहुत सारी, न्यूमरस। अब देखो हो क्या रहा है, ये बीटा डी ग्लूकोज, ये भी, इसका वन इसका फोर, इसका वन इसका फोर, इसका वन ऊपर वाली का फोर। दोबारा समझे बात, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे जुड़ेगी? एक बीटा डी ग्लूकोज का वन दूसरे के फोर से कनेक्ट है, जिसके फोर से कनेक्ट है उसका वन दूसरे के फोर से कनेक्ट है, और ये वाले फोर का वन ऊपर वाली के फोर से कनेक्ट होगा। यानी कि आपका वन नंबर एक यूनिट से कनेक्ट होगा दूसरी के फोर से, है ना? यानी हर यूनिट कितने लिंकेज बनाएगी? दो, एक अपने से नीचे वाले से, एक अपने से ऊपर वाली से। अपने से ऊपर वाले से जब आप जुड़ेंगे, यानी ये इससे जुड़ रही है, तो आपका वन होगा और दूसरी का फोर होगा, है ना? आपका वन नंबर दूसरे के फोर से जुड़ेगा। दोबारा समझो, सेलुलोज कौन सी यूनिट है? बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। कितनी है? बहुत सारी। एक बीटा डी ग्लूकोज यूनिट का वन नंबर दूसरी के फोर से जुड़ा, फिर जिसका इसी यूनिट का वन नंबर दूसरी के फोर से जुड़ा, फिर इसका वन नंबर इससे ऊपर वाली के फोर से जुड़ेगा। तो ऐसे करके चलता जाएगा चलता जाएगा। देखो लेडर बनती जा रही है, सीढ़ी नजर आ रही है। देखो, अरे सीढ़ी नजर नहीं आ रही, ऐसे चलता जा रहा है ना? इसका वन इसके फोर से कनेक्ट है, फिर इसका वन अगली के फोर से कनेक्ट है, एंड सो ऑन। यानी कि आपका वन ऊपर वाली के फोर से, फिर उसका वन उससे ऊपर वाली के फोर से कनेक्ट होगा, ऐसे चलता रहेगा। सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, सेल वॉल। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है? सेल वॉल।
तो जो सेलुलोज है वो सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है। सेलुलोज सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। कैसा होता है? इनसॉल्युबल। तो सेलुलोज क्या है? पॉलीसेक्राइड है, इनसॉल्युबल है, सेल वॉल के ऊपर लगा होता है और बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है। एक बीटा डी ग्लूकोज यूनिट का वन नंबर दूसरी के फोर से, फिर उसका वन नंबर उससे ऊपर वाली के फोर से जुड़ा होता है, जिससे लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। 1414 दिख रहा है सारा? अभी हटा रहा हूं। अब आपके सामने पूरे दोनों डायग्राम नजर आ रहे हैं। ऊपर वाला डायग्राम लैक्टोज का है, मिल्क शुगर का, नीचे वाला सेलुलोज का है। एक बार ध्यान से देख लें, डाउट दूर हो जाए। एक कौन सी यूनिट है? बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, लिंकेज 1-4। इसमें कौन सी यूनिट है? बीटा डी ग्लूकोज डी ग्लूकोज, किसमें? सेलुलोज में। और इनका लिंकेज कौन सा है? 1-4-1-4-1-4-1-4 चलता जा रहा है। इससे उम्मीद है ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। इसमें से ऊपर वाला डाइसेक्राइड था, नीचे वाला पॉलीसेक्राइड था। आज के वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर फिनिश हो गए हैं। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर बहुत अच्छा लगा हो तो कॉम्प्लीमेंट दें, कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। एक बार देख लें, ऊपर लैक्टोज, नीचे सेलुलोज, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, इसमें बीटा डी ग्लूकोज, इसमें लिंकेज 1-4, इसमें लिंकेज 1-4 है, लेकिन 1-4-1-4 लैडर लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है। बात समझ में आई? एक का नाम मिल्क शुगर और दूसरी सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा प्यारे बच्चों। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर बिल्कुल खत्म पे आ गया है, नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके बाय।